हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर नेक। इसे बनाने के लिए हमने बस ये राउंड शेप में नेक कट किया है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस नेक को बनाएंगे। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से कैसे राउंड स्ट्रिप कट करते हैं। तो हम इस नेक को इस बचे हुए कपड़े पर इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल उसी शेप में इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ये हमने बना दी है। अब हम कुछ नहीं करना है, बस इस पूरे शेप को कट कर लेंगे हम, और उसके बाद इसी को आउटर के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बस इस तरीके का एक स्ट्रिप बना दी है हमने। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हमने अब ये स्ट्रिप रखी है। अब इस पूरे में सिलाई लगा दीजिए। देखिए ये सिलाई लगा दी है हमने। अब हम यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि सिलाई ना कटे। अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड कर दीजिए और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए नेक तैयार हो गया है हमारा। अब बारी आती है ट्रायंगल बनाने की। तो एक और फैब्रिक लिया है हमने कॉन्ट्रास्ट कलर में, जिससे हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। एक और बार इसे फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से। इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक, ये देखिए इस तरीके से जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो नीचे का पार्ट है जिसके रफ एजेस है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया है, जो हम अटैच करेंगे इस तरीके से इस नेक के साथ। तो चलिए ऐसे ही बहुत सारे ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ये देखिए हमने कितने सारे ट्रायंगल्स बना लिए हैं बिल्कुल वही मेथड से। अब हम इसे इस नेक पे अरेंज करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको नीचे रखना है हमें और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से सारे ट्रायंगल्स को हम इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से पूरे नेक को आप ट्रायंगल के साथ कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। अब बारी आती है दूसरे ट्रायंगल्स को अरेंज करने की। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का सा ओवरलैप करेंगे हम और यहाँ पर ये ट्रायंगल आएगा। ये देखिए ये हमें पर्ल्स है छोटे से ब्लू कलर के, इसे यूज़ करेंगे हम। तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसको इसके ऊपर हल्का सा ओवरलैप करें सुई धागे की मदद से। अब हम इसे सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से एक दाना लेंगे हम और इसे इसमें से पास करके यहाँ पर हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों ट्रायंगल ओवरलैप हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ सही से बैठ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर्ल को इसके साथ मैच कर लिया है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का ओवरलैप हो गया है। इसी तरीके से अब हम दूसरा ट्रायंगल भी इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इस धागे को सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सारे में इस तरीके से पर्ल्स को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से हमें अटैच करके पूरे में सिलाई लगाएंगे ताकि उसके बाद हमारा नेक बनाना बहुत ही सिंपल हो जाए। तो इस तरीके से अच्छे से अरेंज करके इस पूरे में सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमने अटैच कर लिए हैं सारे इस तरीके से। अब देखिए ऊपर का नेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी शेप का एक स्ट्रिप कट की है हमने, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब इस पूरे में सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा दी है हमने। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड पर इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। आगे की तरफ देखिए इस तरीके से पाइपिंग बन जाएगी हमारी। तो इस तरीके से पूरे में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए इसी के साथ हमारा नेक तैयार हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।